हेलो एवरीवन, संस्कृत का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या देखा, वंदना श्लोक के फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा के बारे में पढ़ा। तो हम इस पार्ट टू के अंदर जो थर्ड स्टैंजा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। थर्ड स्टैंजा यानी कि थर्ड श्लोक में क्या कहा गया है, नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। यानी कि थर्ड स्टैंजा के अंदर देवी सरस्वती के बारे में कहा गया है। जैसे कि हम सभी लोग स्कूल में जब आते हैं तो किसकी प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले प्रेयर करते हैं, वो प्रेयर किसकी होती है, देवी शारदा की होती है, ठीक है। तो देवी शारदा, उसके फोटो में भी आपने देखा होगा कि शारदा देवी के एक हाथ में क्या रहता है, वीणा रहती है, और दूसरे हाथ में क्या होता है, पुस्तक होती है। तो क्या कहा गया है, नमस्ते शारदे देवी, हे सरस्वती देवी आपको हमारा नमन हो, जिसने वीणा और पुस्तक, एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक धारण किया हुआ है, ऐसी देवी सरस्वती को मेरा नमस्कार हो। विद्यारंभम करिष्यामि यानी कि जब भी हम सभी लोग विद्या सीखने का आरंभ करें, विद्यारंभम इट मीन्स विद्या सीखने का आरंभ, यानी कि जब भी हम लोग विद्या सीखने की शुरुआत करें तो फिर तभी आप हमारे ऊपर आशीर्वाद रखिएगा, आप हमारे ऊपर प्रसन्न रखिएगा कि जो भी हम सीखे वो सब कुछ हमें अच्छी तरह से याद रह जाए, ठीक है। तो ठीक है, इसका हम क्या देखते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में ओ गोडेस शारदा यानी कि हे देवी सरस्वती, ओ गोडेस शारदा होल्डिंग अ वीणा यानी कि आपके एक हाथ में क्या है, वीणा है, और दूसरे हाथ में बुक है, माई सैल्यूट टू यू, आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आई शैल स्टार्ट स्टडीज, जब भी मैं पढ़ाई करने की शुरुआत करूँ, यू प्लीज़ बी प्लेस्ड विथ मी फॉर एवर, आप हमेशा मेरे साथ रहिए और आपकी कृपा हमेशा मेरे ऊपर रहे, ऐसी इस तरीके की हम प्रार्थना करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं, देवी सरस्वती को, यानी कि देवी सरस्वती को यहाँ दूसरे नाम से बोला गया है, देवी शारदा। तो देवी शारदा को हम नमन करते हैं। तो थर्ड स्टैंजा यानी कि जो हमारा थर्ड श्लोक है उसके अंदर हमने देवी सरस्वती के बारे में पढ़ा, यानी कि शारदा देवी को हम नमन करते हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टैंजा जो है, श्लोक जो है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, वंदना करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फर्स्ट श्लोक में हमने क्या देखा था, और सेकंड में और थर्ड में, फर्स्ट श्लोक के अंदर हमने गुरु का महत्व जाना, सेकंड के अंदर हमने जो सब भी कुछ स्टार्ट करे उससे पहले हम गणेश की स्तुति करते हैं, गणेश के बारे में पढ़ा, और थर्ड में हमने देवी शारदा के बारे में पढ़ा। तो आप सभी को ये चैप्टर नंबर फर्स्ट वंदना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।